नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी, आप देख रहे हैं देश खबर टीवी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थनगर की खबर। सिद्धार्थनगर जिले के मुख्यालय में स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय में बीती शाम दो ठेकेदारों के बीच जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ठेकेदार संघ के अध्यक्ष व सरकारी कर्मचारी को कार्यालय परिसर में कुछ लोग मारपीट करते दिख रहे हैं। शरेआम दबंगई की यह घटना बीती शाम लगभग 6 बजे की है। मामले की जानकारी होते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही घटना को अंजाम देने वाले दबंग वहां से फरार हो चुके थे। पूरे मामले को लेकर पीड़ित ठेकेदार संघ के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश चौबे ने विस्तार से बताया। वहीं इस मामले को लेकर जब हमने अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत से बात की तो उन्होंने बताया कि कल दो पक्षों के बीच कहासुनी व मारपीट की घटना के विजुअल मिले हैं। इस मामले को लेकर 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पहला मुकदमा पीडब्ल्यूडी के जेई ने ठेकेदार संघ के अध्यक्ष पर दर्ज कराया है। वहीं 2 मुकदमे दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर दर्ज कराए हैं। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सूर्य प्रकाश चौबे नाम हमारा, हम ठेकेदार संघ के अध्यक्ष हैं, लोक निर्माण विभाग सिद्धार्थनगर के। आज करीब शाम के आसपास हम ऑफिस में आए थे। वहाँ सहायक अभियंता सीपी सिंह बैठे हुए थे अपने चैम्बर में, 4-5 यही लोग भी थे। हमने अपने साइट के संबंध में उनसे बात करना चाहा। उसी दौरान जो है सुद्धू सिंह बस्ती के ठेकेदार हैं, जो टेंडर माफिया हैं और वह अक्सर जो है चर्चा में बने रहते हैं, 4-6 लोगों के साथ चलते हैं, गनर और अपने उसके साथ सरकारी गनर के साथ चलते हैं, बाउंसर के साथ चलते हैं, जो पिछले 2 साल से सिद्धार्थनगर में तालका मचाए हुए हैं। हम ठेकेदारों के साथ अक्सर मारपीट किया करते हैं। वह पिछली बार अभी पिछले महीने में निर्माण खंड 1 इटवा डिवीज़न में 13 लाटों का एक ग्रुप, जिसमें हम ठेकेदारों ने मिलकर टेंडर डाला था, 14-15 लाटों लोगों ने डाला था एक एक लाट पर, सबको अपात करा के अपना 2 फर्म मात्र सरकारी अधिकारियों के मिलजुल कर उन्होंने पात्र करा दिया। पात्र कराने के दौरान हम लोगों ने कंप्लेन किया, बात किया, बात करने के बाद अधिकारी कहे कि नहीं, आप लोग अपात्र हैं, बिना कारण के जो है उन लोगों को अपात्र कर दिए। उसी के क्रम में हमने जो है जेईओ से बात की, अपने अपने साइट के संबंध में यही से बात कर रहे थे और उसको हमको देख के वो भड़क गए। अपने सरकारी गनर्स को ललकारते हुए कहे मार दो साले, कोई कंप्लेंटर है, कंप्लेंट करता है, हमारा कंप्लेंट किया है। उनके सरकारी गनर, उनके बाउंसर, उनके साथ 2-3 और अज्ञात हैं जो कि हम चेहरा पहचान सकते हैं, और हमको जो है उन लोगों ने मारा। हमारा बीच बचाव करने के लिए ये सरकारी कर्मचारी हैं, इस दोनों हैं, ये आए, ये लड़का और सरकारी कर्मचारी है वो भी आया, दोनों लोग बीच बचाव किए, लेकिन उसी दौरान हमको काफ़ी मारे वो लोग। ये सर पे जो है बंदूक के बट से मारे, ये चोट लगा हुआ है, इसका सर टूटा हुआ है, और लात घूसों से हमको बहुत मार मारे और धमकी देते हुए फिर वो लोग चले गए कि हम बहुत ऊपर पहुंच वाले हैं, हम हमसे भिड़ना मत, हमसे लड़ना मत, हम सारे ठेकेदारों की गाड़ी छोड़ा देंगे, कंप्लेन कर देंगे। ये सुद्धू सिंह है, बस्ती के रहने वाले हैं, तेज प्रताप सिंह और सुद्धू सिंह नाम है उनका, और वह पूरे जिले को कैप्चर कर रखे हैं। वो कहते हैं हमारा बहुत ऊपर तक पहुँच है, हम बहुत पहुँच वाले हैं। कितने लोगों के साथ मारपीट थी? लगभग 5 लोग थे। उनका सरकारी गनर था, एक बाउंसर था और दो लोग अज्ञात थे जो कि मतलब हम नाम नहीं जानते, और उनका ड्राइवर भी था साथ में, 5-6 लोग थे साथ में। और ये लगभग 5 बजे घटना, उसमें 4-5 यही सारे लोग संलिप्त हैं, क्योंकि ये लोग कमीशन लेके पैसा लेके उसको काम देते हैं, विभाग के लोग भी संलिप्त हैं, सारे यही सब संलिप्त हैं। आपने पुलिस से कोई शिकायत की? हाँ, हमने जो है दरखास्त दे दिया है FIR के लिए, और आगे कार्रवाई के लिए हमें आश्वासन मिला हुआ है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, हम लोगों को निजात दिलाए जाए उनसे। वो टेंडर माफिया है, हमारी सरकार तमाम माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाई हुई है, तो यह भी एक प्रकार के माफिया ही है, ना भू माफिया ना और कोई माफिया, लेकिन टेंडर माफिया है। आज की घटना वही जो निर्माण खंड 1 में टेंडर हुआ था, उसमें हमने कंप्लेन किया था माननीय मुख्यमंत्री से लेकर शासन प्रशासन में, हर जगह हमने कंप्लेन किया था, उसी कंप्लेन से वो छिड़े हुए थे, क्योंकि हम ठेकेदार संघ के यहाँ के अध्यक्ष होने के नाते हमने कंप्लेन किया था। जी, क्या कंप्लेन हुई थी? हमने किया था कि ये गलत, हम लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है, और उच्च अधिकारी पैसा रुपया लेके
इनके पक्ष में उनको पात्र कर दिए, हम लोगों को अपात्र कर दिए, जो कि नहीं होना चाहिए। इसका जांच कराया जाए। ऐसा क्यों हुआ कि 1 लाख पे अगर 10 लोग डाले हैं, 10 के 10 लोग खराब हैं, गलत है उनकी, उनके सारे कागजात गलत हैं, और खाली एक ही फर्म के 13 लाखों पे ही पेपर सही है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ना कोई तो एक ऐसा हो सकता है कि जो पात्र होने लायक हो, ऐसा नहीं हुआ। उनकी फर्म का क्या नाम है? राज कंस्ट्रक्शन है और एक आदि शक्ति करके कुछ है, समथिंग मां आदि शक्ति करके है। उनकी पत्नी एक प्रोप्राइटर है, एक के प्रोप्राइटर कौन है पता नहीं है मुझे। विभाग उन्हीं को काम दे रहा है? हाँ, विभाग पूरा मिला हुआ है, ऊपर उन्हीं के हाथ मिला हुआ है, बिका हुआ है, पैसा लेके कमीशन लेके उन्हीं को देता है। हम लोग कितनों भी पेपर डाल दे, हमारा पेपर रिजेक्ट हो जाता है, उन्हीं का पेपर ही पात्र होता है, वही जो है काम पाते हैं। और वह उठा के इधर 3 डिवीजन है पीडब्ल्यूडी का, तीनों डिवीजन को उठा के देखा जाएगा इधर में, तो सारे टेंडर उन्हीं के हुए हैं और वही टेंडर पाते हैं। जनपद सिद्धार्थ नगर के ये प्रांतीय खंड कार्यालय है पीडब्ल्यूडी का, उसमें कल दो पक्षों के मध्य कहासुनी हुई है, फिर कुछ मारपीट के दृश्य भी सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुए हैं। उसमें एक जेई की तहरीर पर एक ठेकेदार के खिलाफ और जो दोनों ठेकेदार हैं उनका उनकी तहरीर पर दो मुकदमे लिखे गए हैं। कुल 3 मुकदमे पंजीकृत कर लिए गए हैं। बहुत गहराई से इसकी विवेचना की जा रही है। जो भी दोषी है उसके विरुद्ध बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये शहर के मध्य इस तरह की इनके द्वारा वारदात की गई है। सर, इस मामले में क्या 3 मामले दर्ज किए गए? कुल 3 FIR अभी हुई हैं और आज अभी सभी जो कंप्लेनेंट हैं उनके बयान दर्ज किए जाएंगे और 1-2 दिन में सभी विवेचना पूर्ण करके और विधिक कार्रवाई कठोर की जाएगी।